हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सेल के अंदर सीखें अपडेट पिवट टेबल। इसके अंदर हम सीखेंगे रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स। मेरे पास यहाँ पर एक टू डायमेंशनल पिवट टेबल है। ये टेबल कैसे तैयार करते हैं ये हम अपनी लास्ट वीडियो में सीख चुके हैं। फ्रेंड्स, आइए एक बार इस टेबल को स्टडी करें। ये टेबल मुझे बताती है आशीष डिफरेंट प्रोडक्ट्स की टोटल कितनी यूनिट्स सोल्ड करता है। जैसे आशीष आईफोन की 40 यूनिट्स और टोटल है 144। अगर मैं अपने डेटाबेस के अंदर आशीष की यूनिट सोल्ड को चेंज कर देती हूँ तो क्या ये पिवट टेबल अपने आप चेंज हो जाएगी या हमें इसको कुछ कमांड्स देनी होंगी। तो आइए देखें, मैंने 40 की जगह कर दिया 400 और मैं टेबल से बाहर आती हूँ। यहाँ तो मेरे आशीष का डेटा 40 ही दिखाई दे रहा है, तो मुझे इस टेबल को अपडेट करने के लिए इसको रिफ्रेश करना होगा। रिफ्रेश कैसे करते हैं, किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए। सेल पर क्लिक करते ही हमारे पिवट टेबल टूल्स ओपन है। ऑप्शन के अंदर रिफ्रेश को क्लिक कीजिए। रिफ्रेश को क्लिक करते ही देखिए मेरा डेटा आशीष का, इसने आईफोन को 400 कंसिडर कर लिया और मेरा टोटल भी चेंज हो गया। आइए पिवट टेबल के अंदर चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स का मीनिंग है कि अगर मैं अपने टेबल में से कुछ आइटम लास्ट में डिलीट करती हूँ या ऐड करती हूँ तो मेरी टेबल पर क्या इफेक्ट आएगा। आइए करके देखें। मेरे टेबल के अंदर है लास्ट में शीलू का डेटा है। शीलू के डेटा को डिलीट कर देती हूँ। आइए देखें, मैंने शीलू के डेटा को डिलीट कर दिया और क्लियर ऑल करने के बाद ये देखिए, ये तो अभी भी शीलू को दिखा रहा है। मुझे क्या करना होगा, किसी भी सेल पर क्लिक कीजिए। ऑप्शन के अंदर चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक कीजिए। चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करते ही ये हमें दिखा रहा है अपडेट पिवट टेबल B7 से F37। हम चेक करते हैं क्या हमारी रेंज F37 तक है। नहीं, मेरी रेंज F34 तक है, तो मैं इसको चेंज करके F34 कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। ओके करते ही देखिए यहाँ पर शीलू का डेटा अब नहीं है। तो इस तरह हम अपनी टेबल को रिफ्रेश और डेटा सोर्स के अगर चेंज होने पर उसके अकॉर्डिंग भी अपनी टेबल को अपडेट कर सकते हैं। आइए छोटी सी एक बात और, मेरी टेबल के अंदर यहाँ पर फील्ड के अंदर टेबल के अंदर हेडर दिखाई दे रहे हैं। मुझे डेटा प्रेजेंटेशन के लिए या रिसर्च पेपर के लिए हेडर यूज नहीं करनी। ये हेडर्स कैसे हटाए जाए, ये कंट्रोल फिल्टर्स टेबल के ऊपर क्लिक कीजिए। ऑप्शन के अंदर फील्ड हेडर्स पे क्लिक कीजिए। फील्ड हेडर्स पे क्लिक करते ही देखिए ये अब कंट्रोल फिल्टर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे और मैं अपनी टेबल को अपनी डेटा प्रेजेंटेशन के लिए, अपनी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए यूज कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, इस फाइल के डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू माई फ्रेंड्स।